Now, about my films which I have made, which I, you know that I only talk of the human relationships. And we made Professor, उसकी कहानी का भी पता है. मैं ऐसे खोल के कहानी नहीं कही, बट डिटेल में ऐसी जैसी पिक्चर बनी वो बनी. बट आई हैड टू गो थ्रू टू मेक दैट फिल्म. शमी वॉज मोस्ट पर्सन अगेंस्ट मी गेट मी आउट ऑफ द प्रोजेक्ट. ही डिड इज बेस्ट, कुडंट हैपन. बिकॉज बात एक ही थी, मैं उससे उम्र में बड़ा था, एक ही घर का था, तो मैं उसको डांट सकता था. लड़ रहे मेरे ना, लड़ेगा क्या करेगा. कहानी तो चाहिए थी उसको, कहानी मेरी बड़ी अच्छी थी. कहानी लेके भी मुझे निकालने की कोशिश थी, नहीं हुआ. आगे फिर उसके बाद पिक्चर हिट हुई, दोबारा लिखने लगे. प्रोफेसर के बाद हमने, अबरार ने, मैंने लिखी. प्रिंस, इसने नहीं किया पिक्चर, रिफ्यूज टू डू द फिल्म. इसने अपने आप को खुदा समझा, बिकॉज ही हैड द हैबिट ऑफ टेलिंग पीपल. ही वाज, ही इमेजिन बिग, दैट वाज, दैट इज द रीजन ही कुड मेक हिमसेल्फ बिग. ही इमेजिन हिमसेल्फ, ही इज बिग, ही इज द डायरेक्टर. नासिर हुसैन भी उससे सीखता है, शक्ति समाता भी उससे सीखता. पता नहीं उनको खरीदता और तरीकों से, बट नहीं, ऐसे नहीं होता. ये इसने जब इनकार किया, प्रोफेसर मैंने नहीं करनी, प्रिंस मैंने नहीं करनी, तो वी डिसाइड टू मेक अमरपाली. मैं छोटी उम्र में पहले ही था, मैंने आपको बताया कि हिंदी में पढ़ नहीं पाता, मेरी उर्दू में पढ़ पाता हूँ या अंग्रेजी पढ़ पाता. तो मैंने किताब बड़ी मुश्किल से, मेरा ख्याल है इफ़ नॉट रॉन्ग, पप्पी सोनी की सिस्टर ने मुझे बताई थी, शादी की नगर वधू, तो आचार्य सत्यनारायण शास्त्री की थी. मैंने पढ़ी, उसने सुनी, मैंने उसे अब्जॉर्ब की अंग्रेजी में पढ़ी. तो मेरे बड़े दिल में था कि ये पिक्चर बनानी है, क्योंकि मुझे एजाज शस्त्र बहुत पसंद था. तो साहब, मैं, वी डिसाइडेड टू डू इट. तो अब उस वक्त जब मैं बजाने जा रहा हूँ अमरपाली, तो हु इज द बेस्ट डांसर ऑफ द टाइम, वैजयंती माला, देयर वाज नोबडी एल्स. फिक्स्ड, अमरपाली हो गए, अमरपाली हो गया. अब कौन करे, हु विल प्ले अजात शत्रु. अजात शत्रु से बात हुई, तो अजात शत्रु तो मैं, बापा जी, धर्मेंद्र जी तो इससे बेटर और क्या हो सकता था. धर्मेंद्र जी से मैंने बात सोची, तो पंजाबी तो थी उनमें, पंजाबी तो थी, कैसे किया जाए. तो विजयंती से बात करने, आप, उन्होंने रिकमेंड किया कि बात करके देखो, आप सुनील दत्त जी से ले लो. सुनील दत्त जी को अप्रोच किया, टेस्ट दिया, सब बहुत बढ़िया हो गया. नाउ भानु थैया के पास पहुंचा, क्यों ड्रेस कॉस्ट्यूम करने के लिए उसको भी तो कोई डिज़ाइनर चाहिए ना. तो माई यश चोपड़ा से मैंने सुना, इधर उधर से मैंने सुना, तो उनके बारे में सुना, उनके घर चला गया, उनको दिया. अब उन्होंने डिज़ाइन किया, हमने शूटिंग की, शूटिंग की. तो मैं प्रिंस ऑफ वेल्स में मिस्टर सागर थे प्रीम, उनको आगे जाके दिखाएं जो हमने किया कुछ ठीक है. बिकॉज वी वॉन्ट टू डू द ट्रू टू द टाइम, वी डिडंट वॉन्ट टू डू थिंग्स लाइक एनी हैपेंस करेंगे, वी वॉन्ट टू डू ट्रू टू द टाइम. तो उसने कहा नहीं, जा फिल्म वाले कुछ काम बात कर सकते, निकाल दिया. उन्हें बात ही नहीं सुनी, निकाल दिया. खैर, अब शूटिंग करने जाना था कहीं आउटडोर में, तो प्रिंस किंग ऑफ नेपाल हैड कम टू सी प्रोफेसर. उनको दिखाया प्रोफेसर, उन्होंने कहा, उन्होंने कहा, तो वाई डोंट यू कम टू नेपाल एंड शूट देयर अमरपाली, आउटडोर वहाँ कर लो. तो हम ने कहा चलो, मेरा साहब ने कहा चलो चलते हैं. तो रास्ते में पटना उतरना पड़ता था. पटना में प्रोफेसर योगेश मिश्रा, द अथॉरिटी ऑन अमरपाली, वो हेड ऑफ हिस्ट्री डिपार्टमेंट थे, हिस्ट्री के डिपार्टमेंट के हेड थे. उन्होंने कहा, मैं कहा कि उनको जाकर मिलता हूँ, पूछता हूँ. मैं पहले घूमा था म्यूजियम में, म्यूजियम में देख के चकरा गया, ये हिंदुस्तान की कल्चर है, ये हमारे क्या है. मैंने किताबें देखी थी, पिक्चर नहीं देखी थी, लेकिन आई लाइक फोटो अजंता एलोरा सब देख चुका था, कुछ पढ़ चुका, ऑब्जर्व कर चुका था. लेकिन वहाँ तो मेरे को एक स्टैचू देखने के बाद नहीं क्या हो गया. मैं योगेश मिश्रा कहने जाना, योगेश मिश्रा जी के घर गया. उस दिन संडे था, छुट्टी थी. तो एक उनके घर गया, तो चार भैंसें इधर, चार भैंसें इधर, बीच में एक दरख्त के नीचे योगेश मिश्रा का हुक्का लिए हुए लेट के, मुझे गांव याद आ गया अपना. मुझे लगा अपना ही आदमी है,
मैंने उनको फाइल दी देखने के लिए, दिया तो लेटे थे ऐसे कोने पे लेटे लेटे ऐसे पलट रहे, सीधे उठ के बैठ गए, देखते रहे। अगर अमरपाली, अगर वैजयंती विशाली थी तो यही थी वैशाली, आर्किटेक्ट है। अब बेटा मुझे सुनाओ कहानी क्या है। मैंने कहानी सुनाई, कहने लगे तूने ज़िमर पढ़ा है? मैं जी हाँ। कुमार स्वामी पढ़ा? मैं जी हाँ। कभी किसी हिंदुस्तानी को पढ़ लेते तो कहानी गलत है। वो अजात शत्रु नहीं था जो अमरपाली के साथ इश्क किया, वो उसका बाप बिंबसार था। अजात शत्रु ने पकड़ के उसको अंदर कर दिया था अपने बाप को। दी ओनली इंसिडेंट इन इंडियन हिस्ट्री हिंदू हिस्ट्री जिसमें किसी बाप किसी बेटे ने अपने बाप को कैद किया हो, वो उसका इश्क बिंबसार के साथ। मैं शर्मिंदा हो गया। मैंने कहा भी जो हो गया, तीन रील बन गई, अब तो नहीं चलने वाले, वापस करो इसको पूरा। मैं जवान, यंग, इमेच्योर एज कम्पेयर टू विजयंती मारा इन द डांसेस, एज कम्पेयर टू द आग डायरेक्टर, एज कम्पेयर टू आशीर्कर साहब, ये कि तो कभी मिलने वाले नहीं मुझे, आज मिल गए हैं, फिर अमरपाली बाद में कब बनेगी कब नहीं बनेगी, पर ये आदमी ऐसे मुझे ऐसे नहीं मिलने वाले। वो उन लोगों ने मुझे मेरी ज़िंदगी खड़ी कर दी, मैं कुछ नहीं था उनके साथ, दे वर द ग्रेट्स। और फिर उससे ऊपर शिलिंदर को मैं बहुत याद करूंगा, उसने पिक्चर में बड़ा कंट्रीब्यूट किया है। शिलिंदर कहानी सुनी, गाने शंकर जय किशन, तो पहला गाना रिकॉर्ड होने का, तो पहला गाना तो लता बाई आई, तो उन दोनों में क्या होता था, एक गाना सिंगर यूज टू रिहर्स विद द म्यूजिक डायरेक्टर, देन विद द म्यूजिशियंस, एंड देन देयर सॉन्ग यूज टू बी रिकॉर्डेड। और आई लता बाई ने रिहर्सल की, गाना जाग गाना था, कोई और सॉन्ग और था, कोई मेरे को इस वक्त अभी याद आया, आरके का गाना था। तो दूसरे दिन फिर अब म्यूजिशियन के साथ रिहर्सल थी, तो लता बाई कहने राज साहब का रात को टेलीफोन आया था कि ये गाना तो उनका है, ये तो हम नहीं रिकॉर्ड कर सकते। कोई सिलेंडर, अब ये भी नहीं कि आज के म्यूजिशियन सारे कैंसिल कर दिए जाए, शुभ बात भी नहीं है, नया गाना तो होना ही चाहिए ना। तो सिलेंडर कोई गाना है? नहीं, गाना तो कोई नहीं है, मैं एक मुखड़ा सा है मेरे पास। जा उन्होंने कहा क्या मुखड़ा है? उन्होंने कहा प्यार की जागोरे जावरे जोगी जावरे, ये प्यार की नगरियाँ प्यारी है पूजा। आशा भाई लता भाई ने कहा मुझे म्यूजिक, तो म्यूजिक पियानो पे उसने थोड़ा सा गाया, फिर शैलेंद्र जी ने ज्वाइन किया तो उसका मुखड़ा बन गया। अब फिर उन्होंने फिर ट्यून बनाई तो अंतरा बन गया। अब शैलेंद्र तुम जाके लिख के लेके आओ। अब ये 11 बज गए हैं, 11 बजे शैलेंद्र कहना चलो गाना लिखना, 1-3 बजे रिकॉर्डिंग है। म्यूजिशियन उनकी 2 रिहर्सलें हो चुकी, 3 बजे एक्चुअल रिकॉर्डिंग है। हम गए नेशनल पार्क, 4 बोतलें बियर की शैलेंद्र साहब को चाहिए, वो चले चुने कि भाई एक म्यूजिशियन गाना नहीं होता। मैं क्या आप जाके बोलो प्रोड्यूसर को जिनको पैसे पड़ने वाले हैं इतने म्यूजिशियन के, और लता भाई को मैं नहीं बोलने वाला, फिर चलो चलते हैं। आए तो थिएटर में घुस गए, तो थिएटर में ऐसे था कि जैसे ये म्यूजिक रूम है या पूरा ग्लास लगा, पीछे म्यूजिशियन बैठे हैं, तो पीछे लता भाई बैठी हैं, लता भाई के पीछे म्यूजिशियन बैठे हैं। तो इधर रिकॉर्डिंग रूम था, तो मैं तो रिकॉर्डिंग रूम में घुस गया, तो आई कुड सी शैलेंद्र गया। हाँ शैलेंद्र क्या लिखा गाना? तो 2 रिहर्सलें हम 3 रिहर्सलें कर चुके हैं, अब तुम अभी तक आए नहीं, तो ये कोई तरीका है यार? हाँ बोल क्या लिखना है? उन्हें पूछा ही नहीं कि क्या, वो भूलते उन्हें भूलना शुरू कर दिया। सही वो भूलने लगा तो आशा जी ने कहा मुझे 3 अंतरे नहीं, मुझे 6 अंतरे नहीं चाहिए, 3 अंतरे बात होते हैं, ये 2 अंतरे बात होते हैं, 3 बोल। गाना रिकॉर्ड हुआ, क्या गाना है, उसकी एक लाइन है, प्यार की कैसी सीमा ज्ञानी, गागर में सागर का पानी, जाओ रे जोगी तुम जाओ रे, ये प्रेम की ये नगरी या प्रेमी है पूजा, जा। क्या गाना लिखा, आज तक दुनिया याद रखती है उसका, उस म्यूजिक को।
और ये नहीं या किसी ने इंटरेस्ट नहीं दिया, उन्होंने भी इंटरेस्ट दिया, उन्होंने कहा ये काम ये कर सकता मैं इतना नहीं अच्छा कर सकता, मेरे को गाना को तो मैं मांग लूँगा, क्यों वो मेरे दोस्त थे, करीब थे मेरे थोड़ा सा जैकी सिंह जी, पर लेकिन दे वर वेरी ऑनेस्ट टू द वर्क जॉब, दिस जॉब ही कैन डू बेटर। शंकर जी ने शुरू किया, अमरपारी बनी, आप अमरपारी बनी तो पहले तोड़ गई, उसमें जब बुद्धम शरणम गच्छामि लोग मजाक उड़ाने लगे, इट इज पास्ट बाई श्रीलंका ओनली दम, हमने बड़ा मेथोडिकल किया था सर दैट नो बुद्धिस्ट कंट्री टेक एनी ऑब्जेक्शन ऑन द लास्ट मोमेंट ऑफ बुद्धा व्हेन ही डाइड, हम वो ठीक होना चाहिए, हम बुद्धिस्ट को बुला बुला के उनके सामने रख रख के उनके सामने खड़े होकर किया। तो हिंदी क्लिश थी उस जमाने में, इतनी क्लिश नहीं होती थी, क्यों जमाने का फीलिंग देने के लिए अर्जुन देव रश्क ने हिंदी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया था, तो वो पहले हवा गलत उड़ी। बाद में एक वक्त में हुआ, मैंने पूछा मेरा साहब से, मेरा साहब ने कहा लेकिन तू बता मेरी किस पिक्चर से, मैंने बहुत कमाया, मैं प्रोफेसर जी और कौन सी, कहते नहीं अमरपाली, अमरपाली ये है अमरपाली की कहानी। आज भी 26 प्रिंट एवरी ईयर बुद्धिस्ट कंट्रीज बाय टू टीच इन देयर स्कूल्स एंड इन देयर कॉल इन देयर इंस्टीट्यूशन। कुछ और भी बातें वॉर की, हम सहारनपुर गए शूटिंग करने, वॉर सीक्वेंस करने गए, वहाँ रिमांड डिपो है, वहाँ हॉर्स ब्रीडिंग होती है आर्मी की, तो वो हॉर्सेस तो बहुत थे, द गवर्नमेंट गेव अस द परमिशन टू शूट देयर एंड द सोल्जर्स ओवर देयर द कमांडर्स ओवर देयर वर वेरी हेल्पफुल। एक घोड़ा तो बड़ा बिगड़ गया, तो कमांडर जो थे वहाँ के इंचार्ज जो थे वो हाथियों से डरता था घोड़ा, उस चारों हाथियों को घेर के बीच में घोड़ा खड़ा कर दिया, उसको भागने लगे मारे, टिल द ट्रेन इन द रॉस बिके द हॉर्स बिकेम यूज टू द एलिफेंट्स, दैट इज द हेल्प दैट वी गॉट व्हेन वी फॉट देम द वॉर सीक्वेंस वी टॉट देम। एक्चुअली द मैन डाइड इन द वॉर, एक आदमी मर गया, अरे बाप रे, मन में दे रियलाइज के दे एक्चुअली टुक वॉर एज वॉर, दे डोंट दे आर सोल्जर्स, दे आर एक्स्ट्राज एंड वी यूज टू कैमराज एंड दैट बिकेम एडवांटेज, दैट वाज साइन, इट केम आउट वेरी वेल। और एक उनके इंचार्ज जो थे हमको, जो हमको दिया गया था, उनसे मैं बात कर रहा था तो एक आदमी यंग मैन आया कैप्टन, कहता व्हाट हवलदार साहब व्हाट आर यू डूइंग, इज दिस द टाइम, दिस द वे टू दिस टाइम हॉर्सेज आर बीइंग नॉट फेड, दिस आर नॉट बीइंग नॉट, उसको डांट पड़ी बड़ी तगड़ी तरह, कहते यस सर, वो चला गया तो टोपी उतार के कहा आराम ज्यादे घर आ रहे, तेरे को जूते मार मार के तेरा बुरा हाल ना किया। तो मैंने मुझे कहा मैं कौन है, ये या मेरा बेटा है, इज माई सन एंड इज सच नाइस आर्मी, सो इम्प्रेसिव ऑफ दिस कंट्री, सो गुड पीपल, सो डिसेंट, जितने को भी मिलने में चांस मिला है मेरा, आई एम वेरी हैप्पी। वैन दे आर सोल्जर दे आर वेरी गुड, वैन दे आर हजबेंड आई डोंट नो वट दे आर, बट सोल्जर्स आर वेरी गुड एंड ह्यूमन बींग्स आर वेरी गुड। हाँ एक इंसिडेंट और है, सिंगापुर अपना श्रीनगर में मिसेस राजपूत खाना खा रहे थे एंड राज साहब वॉज ड्रंक, इट इज हिज वाइफ, एनीबडी कैन बी नास्टी टू हिज वाइफ व्हेन ड्रंक, तो सारे मोस्टली नास्टी हो जाते हैं। ए सोल्जर, टू सोल्जर सिटिंग ऑन ए डिस्टेंस एंड आई मीन सम मेजर ऑफिसर, बड़े ऑफिसर थे, ही केम, वन सोल्जर केम एंड पुट हिज फुट डाउन इन हिज प्लेट इन फ्रंट ऑफ, इफ यू स्पीक वन मोर वर्ड टू लेडी विल ब्रेक योर नेक एंड ही वॉक्ड अवे। राजपूत किसे लगे भाई, वो मियाँ भी किसका कुछ हो, लेकिन न तो आर्मी, आई वेंट टू आर्मीज ऑफिसर्स, बस सुबह बड़े पूरे यूनिफॉर्म पहनी, सब कपड़े पहने लेते, मैं आप जलंधर गया मेरे यहाँ पर ऐसा क्यों बैठे, उन्हें मुझे बुलाया था मैं मिलने गया, ऐसा क्यों करें, कहने यार पाकिस्तान के बॉर्डर के नज़दीक है ना, अभी है कुछ गड़बड़ होने वाली लग उम्मीद है, बैठे तैयार हो गए गप्पे मार रहे, वेरी वेरी अनदर इंसिडेंट ऑफ शूटिंग इन श्रीनगर, एक हेलीकॉप्टर गेम और मैं कहूँ अभी नीचे जाएँ शोर मच रहा है,
वो हेलीकॉप्टर से नीचे आया, उसने कहा आई हैव कम, सॉरी आई एम डिस्टर्बिंग यू टुनाइट, यू आर हैविंग, ऑल ऑफ यू आर हैविंग डिनर विद मी इन द क्लब एंड वेंट अवे. वी ऑल डिनर विद देम. सो नाइस, सो नाइस. माय एक्सपीरियंस ऑफ हम पानी वाज वेरी वेरी गुड.